भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में कुल 52 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने 3 बीजेपी सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। करीम नगर से बंदी संजय कुमार को टिकट दिया है। इसके अलावा इटाला राजेंद्र को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें वो हजूराबाद और गजवेल से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 12 महिलाओं को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं गोशाम महल से मौजूदा विधायक राजा सिंह का निलंबन रद्द कर उन्हें फिर से उसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना के आईटी मंत्री और सीएम केसीआर के बेटे केटीआर के खिलाफ सिरसिला सीट से बीजेपी ने रानी रुद्रामा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। करीमनगर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार, बोध से सांसद सोयाम बापू और कोरुतला से सांसद अरविंद धर्मपुरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह का प्रयोग कर कई मौजूदा सांसदों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक इटाला राजेंद्र